गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एग्जाम कराऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन बिफोर फाइंडिंग आउट दिस थिंग और हम इस पर्टिकुलर सम में प्रैक्टिकल में जाए, उससे पहले देर आर सर्टेन स्टेप्स जो मैंने यहाँ पेपर पर लिख के रखे हैं अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये जो स्टेप्स है, पहले आप उसे लर्न कर लें और दो चार मेरी बातें अच्छे से समझ लें, देन वी विल शिफ्ट टू दी सम। हम एक प्रैक्टिकल सम करेंगे विथ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है आपका फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ढूंढने का, तो फाइंड आउट द नेट असेट्स। अब याद रखिए कि मेरे गुडविल के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, व्हाई वी हैव टू कंप्लीट शेयर्स आफ्टर गुडविल तुरंत ही। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ही आपको शेयर समझ में, गुडविल समझ में आ जाती है, आपको शेयर्स को कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंटरकनेक्टेड है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को उसके बाद ही करें, ताज़ा आपका गुडविल ख़त्म हुआ और तुरंत शेयर स्टार्ट करिए, राइट। यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, सब कुछ आने वाला है। तो फाइंड आउट द नेट असेट विच इज़ योर फर्स्ट स्टेप। नेट असेट इज इक्वल टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये चीज़ आप ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कर चुके हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं इन केस ऑफ शेयर्स, और सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि अगर आपके सम में नई गुडविल की वैल्यू दी है तो आप अपने टोटल असेट में उसे ऐड करेंगे। हियर आप कोई बाइफर्केशन नहीं करेंगे अबाउट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। आप हर तरह के इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम माइनस करते हैं टू फाइंड आउट द नेट असेट्स, वो आप जानते हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है नेट असेट्स अपन नंबर ऑफ शेयर्स। यानी आप जो पहला स्टेप्स ढूंढते हैं वो डिवाइडेड बाई आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं आपके क्वेश्चन में, उसे आप डिवाइड करेंगे। देन योर थर्ड स्टेप इज़ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप गुडविल के वक्त फाइंड करते थे, बस वही करना है। बट याद रखिए कि यहाँ पे ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का कोई बाइफर्गेशन था ही नहीं, इसलिए हम इसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में नहीं लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में जो पॉसिबल एडजस्टमेंट है वो सम पे डिपेंड करते हैं, जिसके अंदर आपको डिविडेंड माइनस करना हो, कई बार बिफोर टैक्स दिया हो तो टैक्स माइनस करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाती जाऊँगी। देन योर फोर्थ स्टेप इज़ रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी आपका स्टेप 3 डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। एंड योर स्टेप 5 इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए अगेन आपको आपका स्टेप 4 यूज करना पड़ेगा, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू। एक्सपेक्टेड आरओआर दिया होगा, पेड अप वैल्यू भी आपके बैलेंस शीट में होगी, तो ये मार्केट वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। एंड द लास्ट इज 6 इज फेयर वैल्यू। आपको आपके इंट्रेंसिक वैल्यू में मार्केट वैल्यू ऐड करनी है, जिसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको फेयर वैल्यू मिलेगी। पॉइंट इज़ दैट कि आपका हर एक स्टेप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू ढूंढने हैं तो आपको नेट असेट चाहिए जो आपका स्टेप 1 है। अगर आप रेट ऑफ डिविडेंड ढूंढ रहे हैं तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो आपका स्टेप 3 है। अगर आप मार्केट वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो आपको स्टेप 3 की ज़रूरत पड़ेगी जो रेट ऑफ डिविडेंड है। एंड द लास्ट इज फेयर वैल्यू विच इज़ टोटल ऑफ इंट्रेंसिक एंड मार्केट वैल्यू, जिसको 2 से डिवाइड करना है। तो फाइनली यू विल गेट योर आंसर। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है वो काफ़ी हद तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को इन्वॉल्व करता ही है। तो चलिए, स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कैसे ढूंढना है, किस तरह से ढूंढना है, वो मैं आपको इस सम में समझाती हूँ। बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो मैं अभी आपको 2019 या 21 के सम्स नहीं करवा रही, वो भी मैं आपको कराऊंगी। बट द फर्स्ट सम विच वी आर गोइंग टू डू इज़ 2015 का एक पूछा हुआ सम है, धवल लिमिटेड का सम नंबर 38 इन योर बुक। ओके, एडजस्टमेंट पढ़ती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती हुई जाऊंगी। चलिए, पेज नंबर 196, सम नंबर 28। दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑफ धवल लिमिटेड। शेयर होल्डर्स दिए हैं आपके पास इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। हियर यू हैव रिजर्व एंड सरप्लस। आपके पास दो तरह की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, 15% डिबेंचर्स एंड प्रोविडेंट फंड। देन यू हैव करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट असेट्स में, फिक्स असेट्स में आपके पास जितने भी असेट्स हैं उन सब के नीचे डेप्रिसिएशन कट करके दिया हुआ है। देन यू हैव गुडविल, बट दिस वन इज़ ओल्ड गुडविल, हाँ ये नई गुडविल नहीं है। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपके पास दो इन्वेस्टमेंट, एक PF और 12% डिबेंचर। अगर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता तो यहाँ पर आपका सबसे पहला सवाल कि इसमें से कौन ट्रेडिंग है और कौन नॉन ट्रेडिंग है। बट जस्ट बिकॉज दिस इज़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एंड इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आप ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग का कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, आप दोनों ही इन्वेस्टमेंट को अपने एसेट्स में डाल देंगे। उसके बाद आपके पास स्टॉक है, डेटर्स एंड कैश है, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट वन, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 427,200। आपके पास बिल्डिंग की नई वैल्यू है,
एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 1,68,000 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट 50%। तो एक एडजस्टमेंट तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि टैक्स डिडक्ट करने के पहले का प्रॉफिट है और हमें आफ्टर टैक्स लेना है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी हैज़ बिन असर्टेन 45,600। यानी दिस इज योर न्यू गुडविल। एडजस्टमेंट में जो गुडविल देते हैं वो हमेशा नहीं होती और इसे हम कैलकुलेट करते वक्त लेंगे। क्या कैलकुलेट करते वक्त? नेट असेट्स फ्रॉम द वो पर्टिकुलर्स असेट इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी के इक्विटी शेयर्स की फेयर वैल्यू ढूंढनी है। चलिए पहला स्टेप्स क्या था टू फाइंड आउट नेट असेट्स। सो स्टेप नंबर वन, आपका स्टेप नंबर वन ये कहता है कि नेट असेट्स ढूंढिए। और नेट असेट्स के लिए हमें पहले सारी असेट्स लिखनी है। तो सबसे पहले क्योंकि आपके एडजस्टमेंट में दी है नई गुडविल, तो सबसे पहला उसे ही लिखिए गुडविल जिसकी वैल्यू है 45,600। अब आपके पास जो एडजस्टमेंट है उसमें जो चेंजेस हैं उसमें सिर्फ एक ही है कि आपकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो उन्होंने दे दी है। तो हम क्या करेंगे कि हम बिल्डिंग की वही नई वैल्यू जो दी है 4,27,200 वो हम एज इट इज़ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें आपके एडजस्टमेंट में हैं तो वो हम ले लेते हैं। बाकी असेट्स यहाँ से हमें लेनी है, बिल्डिंग नहीं लेनी है, फर्नीचर और मशीनरी डेप्रिसिएशन कट करने के बाद की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें लेनी है। राइट, तो चलिए मैं एक के बाद एक लिखती जाती हूँ। फर्नीचर 18,000, देन वी हैव मशीनरी 3,60,000। जो बैलेंस शीट में है असेट साइड पर आई एम टेकिंग द सेम विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। देन वी हैव गुडविल, पुरानी नहीं लेनी है। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू टेक बोथ द इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट वन इज़ PF इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड द सेकेंड वन इज 12% डिबेंचर ऑफ पटेल लिमिटेड। And that is 34,200, right? The next is stock. और कोई changes नहीं है इसलिए हम कोई changes नहीं करेंगे। Then we have debtors, which is 16,800. Then we have cash and bank, 8,700, right? ये हमारे सारे assets हमने लिख लिए। और अगर कुछ बचता है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। तो हमने फिक्स असेट में गुडविल के बाद बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी तीनों ले लिए हैं। देन वी हैव स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। देन वी हैव PF एंड 12% डिबेंचर, राइट। अगर हम इन सब का टोटल करते हैं देन आवर असेट्स टोटल इज 9,64,500। ओके, चलिए अब हम लायबिलिटीज़ माइनस करते हैं। तो टोटल लायबिलिटीज़, एज यू नो दैट कि लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंजेस हमें बोला नहीं गया है। तो अब हम कौन सी लायबिलिटी लेंगे, तो हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ यहाँ से शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज 15% डिबेंचर विच इज़ 1,20,000। आफ्टर दैट वी हैव PF प्रोविडेंट फंड 30,000। देन वी हैव क्रेडिटर्स 15,000। Then we have bills payable 7,500 and then we have outstanding expenses which is 12,000. So five liabilities we have. Let's make the total of the liability which is 1,84,500 and deduct this 1,84,500 from this total asset. It will be 7,80,000. ओके, दिस 7,80,000। और मैंने जैसे आपको एडजस्टमेंट में पहले ही बताया कि नई गुडविल हो तो वो लीजिए और उसमें से आप टोटल में से माइनस करिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो ये चीज़ हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी करते थे, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3,00,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर है, सो अवर नेट एसेट इज़ 4,80,000। दिस इज अवर नेट एसेट्स 4,80,000, राइट। ये 3,00,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हेयर इट इज़ इक्विटी के नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लास्ट लाइन 3,00,000 रुपीज़। ओके, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। हेयर यू कैन सी दिस, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप नेट असेट टू फाइंड आउट द नेट असेट्स। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप की, जो होता है इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इंट्रेंसिक वैल्यू, अब
सेकेंड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेट एसेट्स, और उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से. आपके नंबर ऑफ शेयर्स कौन से, इक्विटी शेयर्स, वेरी ऑब्वियसली. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो चलिए नेट एसेट्स कितनी है हमारी, हमारी नेट एसेट्स है 480,000. एंड व्हाट इज़ आवर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दोनों ही 300,000 ही है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इज 30,000. कहाँ से लाएँ, ये रहा देखो 3,10,000 रुपीज़, इक्विटी शेयर्स इज 30,000. तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी 30,000 से. चलिए, सो व्हाट शुड बी अवर आंसर, 16 रुपीज़, 16 रुपये हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू. स्टेप नंबर 3, आफ्टर हैविंग एन इंट्रेंसिक वैल्यू, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो आफ्टर हैविंग एन इंट्रेंसिक वैल्यू, योर नेक्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट. तो चलिए एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एवरेज प्रॉफिट. हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो हमें दिया गया है, वो उन्होंने कहा है कि दैट इज़ बिफोर टैक्स. ये लिखा, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज़ 168 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एवरेज प्रॉफिट लिखा ही है, बट दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स नहीं माइनस करा हुआ. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 168,000, राइट. तो सीधा इसमें से हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है, इसलिए हम टैक्स ही माइनस करेंगे. टैक्स कितना है, तो टैक्स इज आई थिंक 50%. या उसने लिखा ही है ब्रैकेट में बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. टैक्स माइनस करूँ मैं 50% से, यानी आधा 84,000. सो हियर योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 84,000 PAT, राइट. 84,000 इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और उसमें से कहा हो नहीं कहा हो, आपका एडजस्टमेंट में नीचे लिखा हो नहीं लिखा हो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं. अब प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितने के थे, 3,00,000 के थे ना, ये रहे, और 30,000 शेयर्स थे, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से हमारे पास 3,00,000 का 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आना चाहिए 3,000. ये 3,000, तो आइडियली 81,000 विच इज़ अवर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एंड वन मोर थिंग, ये 50%. चलिए ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, एवरेज प्रॉफिट. व्हाट शुड बी अवर फोर्थ स्टेप, दैट इज़ टू फाइंड आउट रेट ऑफ डिविडेंड. चलिए यहाँ पर मैंने 30,000 की जगह 3,000 करा था. 3,00,000 का 10% 30,000 होता है, राइट. तो 54,000 शुड बी एवरेज प्रॉफिट. तो रेट ऑफ डिविडेंड का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज़ योर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि रेट है तो मल्टीप्लाई बाय 100. एवरेज प्रॉफिट कितना, 54,000. व्हाट इज़ आवर इक्विटी शेयर कैपिटल, 3,00,000 इंटू 100, एंड आवर रेट ऑफ डिविडेंड विल बी 18%, राइट. ओके, सो 18% इज आवर रेट ऑफ डिविडेंड बाय डिवाइडिंग 54,000 विद 3,00,000 इंटू 100. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो रेट ऑफ डिविडेंड विच इज स्टेप नंबर 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच शुड बी गिवन इन योर सम इंटू पेड अप वैल्यू. पेड अप वैल्यू पर शेयर, पर शेयर, एक शेयर पे आपकी पेड अप वैल्यू कितनी है वो. नाउ रेट ऑफ डिविडेंड इज 18%, परसेंटेज नहीं लिखो तो भी चलेगा. एंड देन आवर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% विच इज़ गिवन. तो मैं नीचे लिखती हूँ 10%. पेड अप वैल्यू पर शेयर ₹10 है. कहाँ से लिखा मैंने, ये रहा लायबिलिटी साइड में, इक्विटी शेयर ₹10 एच. और हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू भी 18 ही आती है, बट दैट इज़ 18 रुपीज़ ना. यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, परसेंटेज नहीं आएगा. एंड आवर लास्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट फेयर वैल्यू. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फेयर वैल्यू. तो आपने जो ढूंढा वो, आपने कौन सी दो वैल्यू ढूंढी, आपने ढूंढी इंट्रेंसिक वैल्यू और उसमें ऐड करिए मार्केट वैल्यू और उसको डिवाइड करिए 2 से. व्हाट इज़ अवर इंट्रेंसिक वैल्यू, हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू आई थी 16 रुपये, ये रे 16. और व्हाट इज़ अवर मार्केट वैल्यू, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका हमारा आंसर आएगा 17 रुपीज़. 17 रुपये इज़ अवर फेयर वैल्यू एंड दिस इज़ अवर आंसर 17 रुपीज़. तो हमारे पास तीन आंसर हुए, इंट्रेंसिक वैल्यू 16,
आपकी मार्केट वैल्यू 18 और आपकी फेयर वैल्यू 17, 16, 17, 18, राइट। तो ये हुआ हमारा सम। मैंने जानबूझ के ये फर्स्ट सम इस तरह से रखा है कि एकदम आसानी से आपके गले से नीचे उतर जाए। हम नेक्स्ट सम जब करेंगे तब मैं आपको थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम कराऊंगी। बट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, दिस इज़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि आपने गुडविल करा है तो आपको शेयर्स आएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखिए। उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाए हैं स्टेप्स कि आपके वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के स्टेप्स क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, छह स्टेप्स है। फाइंड आउट नेट एसेट्स, फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट रेट ऑफ डिविडेंड, फाइंड आउट मार्केट वैल्यू एंड फाइंड आउट फेयर वैल्यू। आपका जो फेयर वैल्यू है वो आपका फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद द नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स में आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको नई गुडविल लेनी है, दिस इज़ न्यू गुडविल। बैलेंस शीट की पुरानी गुडविल नहीं लेनी है, सारे इन्वेस्टमेंट ले लेने हैं। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है। आपके हाथ में जो भी बैलेंस आता है उसमें से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे एंड यू विल गेट नेट एसेट्स। इंट्रेंसिक वैल्यू ढूंढिए, जो भी नेट एसेट्स आइए उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करिए, 16 रुपये आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं और एक आध दो भी हो सकते हैं। उसमें एक टैक्स का मोस्ट रिलेवेंट एडजस्टमेंट हो सकता है और आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करना ये पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आपको ज़रूरी है रेट ऑफ डिविडेंड के लिए। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। उसके बाद मार्केट वैल्यू आती है जिसके अंदर आपको रेट ऑफ डिविडेंड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो दिया होगा आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय पर शेयर पेड अप वैल्यू। और उसके बाद लास्ट में आपको फेयर वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के टोटल को 2 से डिवाइड करना है। तो आई होप यू गॉट द सम एंड बहुत आसान है, आपको भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रॉब्ली इसी का ही एक सम करके मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को ख़त्म करूँगी और उसमें उस तरह का सम कराऊँगी जो आपके लिए बहुत ही कारगर हो एग्ज़ाम्स के लिए, वेदर इट इज़ योर इंटरनल एग्ज़ाम और वेदर इट इज़ योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, राइट। चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन।